वो क्या होगा कि ये बैटरी होगी डेड। तो गाइस अभी हम फिर से निकल रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए फॉर द इवनिंग लेजर शो। इसके पहले मैं जो शूट कर रहा था वो क्या हो गया कि बैटरी होगी डेड, जिसके वजह से जब भी हम जंगल सफारी में थे टाइगर एनक्लोजर के यहाँ पे अचानक से बैटरी हो गई डेड और उसके बाद मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सका। हमारे पास एक्स्ट्रा बैटरी नहीं है, एक ही बैटरी है, हमने जो एक्स्ट्रा मंगाई थी वो अभी तक आई नहीं। मतलब मैंने तो सोचा था कि ये गुजरात ट्रिप के लिए मैं निकलूँगा उसके पहले वो आ जाएगी, लेकिन फॉर सम रीज़न इट वॉज स्टक इन दी कस्टम्स, क्योंकि ये हांगकॉन्ग से आ रही थी थ्रू अमेजोन। और अभी बस थोड़ी देर पहले मुझे अमेजोन वालों का फ़ोन आया कि वो अभी डिलीवर कर रहे हैं। तो चलो कोई नहीं, नेक्स्ट व्लॉग अधूरा नहीं रहेगा, इट विल बी अ कंप्लीट व्लॉग। तो नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अगेन फॉर द इवनिंग लेजर शो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और भी कुछ अट्रैक्शन है वहाँ पे, वो भी हम कवर कर लेंगे। तो जस्ट टू चार्ज द बैटरी, मतलब मेरी फ़ोन की बैटरी भी हो गई डाउन, और जो चार्ज मैंने फ़ोन की बैटरी मैंने पूरी चार्ज नहीं की थी, और एस्टिमेट था कि भाई जब तक मैं रिटर्न आऊँ तब तक चल जाएगी, लेकिन मैंने फ़ोन भी काफ़ी यूज़ किया, वीडियोस निकाले, फोटोज़ निकाले, जिसके वजह से फ़ोन की भी बैटरी ऑलमोस्ट डिस्चार्ज हो गई थी। तो हम 32 किलोमीटर्स रिटर्न आके अभी एक्शन कैमरा की भी बैटरी चार्ज की है, फ़ोन की भी बैटरी चार्ज की है, एंड वी आर गोइंग बैक अगेन फॉर द लेजर शो। आपको राइट में दिख रहा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सुबह जब हम यहाँ से गए थे तो काफ़ी धुंध थी, जिसके वजह से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अगर अभी आप देख सकते हैं तो ये अभी साफ सुथरा दिख रहा है। तो देखते हैं अभी हम पार्क कहाँ पे कर सकते हैं। ये अच्छा स्पॉट है पार्क करने के लिए। हम डैम जा रहे थे लेकिन पता चला कि शाम को 5 बजे डैम बंद होता है, तो ये जंगल सफारी है, उसी के सामने ये ग्लो गार्डन है। बेसिकली दिस, ये जो फ्लावर्स वगैरह आप दिख रहे हैं ये शाम को इसमें लाइट जलती है और ये ग्लो होता है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है। तो हम रुकेंगे लेज़र शो होने के बाद, हम यहाँ फिर से आएंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से ये करीबन 1 किलोमीटर आगे है, एग्जैक्टली जंगल सफारी के सामने। तो गाइस सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, वैली ऑफ फ्लावर्स और ग्लो गार्डन पास पास में है, लेकिन वैली ऑफ फ्लावर्स शाम को 6:30 बजे बंद होता है और
ग्लो गार्डन शाम के बाद भी चालू रहता है, सो इवन दिस प्लेस इज ब्यूटिफुली मेड, लॉट्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना. This is very beautifully made. You can call it as a nature trail. Lots of trees. Except for the people coming here and making noise, you can only hear the noise of nature. But then I personally feel when you are in such places, rather than discussing personal issues, you should enjoy the nature. But then क्या होता है, हम ये भूल जाते हैं कि हम इतनी दूर क्यों आए हैं, और फिर भी हम अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी होके वो इश्यूज डिस्कस करते रहते हैं. मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप इतनी दूर आ रहे हैं फैमिली के साथ, सो स्पेंड सम क्वालिटी टाइम रादर देन डिस्कसिंग पर्सनल इश्यूज. दिस इज अ वेरी वेल सेट व्यूइंग पॉइंट फॉर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. यहाँ से नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है. तो अभी हम प्लान कर रहे हैं कि यहाँ से बस सर्विस लेके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाएंगे फिर से. तो गाइस हम लोग आ चुके हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी फॉर द इवनिंग लेज़र शो. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ है जो ये लेज़र शो देखने आई है. ये लेज़र शो शाम को 7:30 को शुरू होता है, लेकिन इट्स जस्ट 6 o'clock एंड ऑलमोस्ट ऑल द बेंचेस आर फुल. अल्टीमेटली हमको एक कोने में जो थोड़ा अलग से है यहाँ पे एक बेंच मिला है. तो इफ़ यू वांट द फ्रंट सीट्स, इट्स सजेस्टेड दैट आप एटलीस्ट 5:30 को यहाँ पे आके सीट ले ले, नहीं तो आपको काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा. अभी यहाँ की सारी लाइट ऑफ कर दी गई है ताकि लेज़र से शुरू हो जाए. किसान का बेटा था वो दृढ़ता का भंडार,
वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार। और अभी हम वापस पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। विल बी गोइंग टू द ग्लो गार्डन नाउ फ्रॉम हियर। और आप देख सक रहे हैं ये जो रास्ता है स्विच ऑफ यूनिटी वाला, शाम इवनिंग में काफ़ी लाइटिंग है यहाँ पे और काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो आप सोचते रहेंगे मैं इतना भाग क्यों रहा हूँ, क्योंकि अभी शो शुरू ख़त्म हो गया है तो काफ़ी लोग बस में पार्किंग में आ जाएंगे और यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे हैं हम ताकि भीड़ में ना फंसे। ग्लो गार्डन आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है आपको। थोड़ा कंफ्यूजन था, हमने जो टिकट्स निकाले थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के, तो द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के टिकट में ग्लो गार्डन भी इंक्लूडेड है, बट दैट इज़ नॉट द थिंग। दिस इज सेपरेट टिकट विच यू हैव टू परचेज ऑनलाइन, देर इज़ नो वॉक इन टिकट्स विच आर अवेलेबल। तो आप अगर ग्लो गार्डन आप प्लान कर रहे हो तो इसका अलग से आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी ताकि आपको यहाँ पर एंट्री मिले। तो अभी हम बाहर से ही आपको दिखाते हैं, इसके आगे हम नहीं जा सकते। हम आ चुके हैं जहाँ पे हमने हमारी बाइक पार्क की थी। अभी हम यहाँ से हमारे होटल जो है राजपीपला गांव में वहाँ पे जाएंगे। तो गाड़ी थोड़ी वार्म अप करता हूँ। तो चलो चलते हैं भाई। अभी बज रहे हैं 8:32, 9 बजे तक हम हमारे होटल पहुंचने चाहिए। आधा घंटा करीब लगता है, बट देन दैट इज इन द डे टाइम। अभी रात हो चुकी है और रास्ता इतना भी स्मूथ नहीं है कि हम वो डिस्टेंस आधे घंटे में कवर करें। तो टेकिंग इन कंसिडरेशन सेफ्टी, हम थोड़ा धीरे चलेंगे क्योंकि ये अननोन रोड है, हमें पता नहीं है कि यहाँ पे पॉटहोल्स कहाँ पे है। मेरा अभी जो स्पीड ब्रेकर से जो छलांग मार के गया है वो मेरा पार्टनर है जिसकी बुलेट है, और बुलेट को स्पीड ब्रेकर से कोई तकलीफ नहीं होती है। तो ऐसे आप राइट में जो देख रहे हैं ये जो ग्लोइंग ट्रीज है काफ़ी खूबसूरत है, मैंने इसे आपको सुबह भी दिखाया था लेकिन अभी काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। राजपीपली आगे से यू टर्न मार के जाएंगे। हाँ हाँ, अभी दूसरी बार आ रहा है सुबह से। चलो थैंक यू। तो
वजह ये है इन्होंने रोकने की कि ये रोड जाता है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और लेजर शो के बाद ये पूरी तरह से बंद होता है। मतलब अब कोई भी पॉइंट्स है वो आपको जाना नहीं है क्योंकि सब बंद है। तो फॉर सिक्योरिटी रीजंस ये जो पुलिस वाले हैं हमें रोकते हैं और पूछते हैं एग्जैक्टली कहाँ पर जाना है। तो गाइस लेफ्ट में आप देख सकते हो ये रिवर है नर्मदा और उसके ऊपर ये ब्रिज बनाया है जिसको लाइट्स की गई है, काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। खूबसूरत अंधेरे में ये सब दिख रहा है आपको, कैमरा सब कैप्चर कर पा रहा है। पता नहीं ये बंदा उल्टी डायरेक्शन में क्यों आ रहा है। दिस आर द थिंग्स दैट यू नीड टू अवॉइड। हम ये सब सोचते हैं कि हम चौकन्ने हैं और रॉन्ग वे से जा रहे हैं, लेकिन नॉट नेसेसरी। जो सामने वाला जो सही रोड से आ रहा है उसका ध्यान आपकी तरफ है या वो कंट्रोल कर पा रहा है अपनी गाड़ी को, मतलब आपकी गलती से आप किसी और की जिंदगी मुश्किल में डाल सकते हैं। तो गाइस अभी इसके आगे पूरा अंधेरा है। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि मैं ताकि मैं और अच्छे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।